जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हर रास्ता चाहे मंजिल, हर अंधेरा चाहे उजाला, हर आंख में है एक सपना, सपना आगे बढ़ने का, खुद को मनवाने का। रात से दिन का सफर सबके लिए नहीं है आसान, पर जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। बस्ती के अंधेरों को मिटाएगा, दुनिया में अपना नाम बनाएगा। हम जो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं वो किन हालात में और किन मुश्किलात में दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये देख लें कि हमारे पास ना बैठने के लिए जगह होती है ना, अगर फ़र्द किया अभी तो धूप है, आप आए हैं तो बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है आपको, तो जब बारिश होती है तो हमारे पास टोटल 2 रूम ही हैं, और वो भी हमारे पास जो स्ट्रेंथ है इस वक्त वो 100 अबाव है। तो जब हम बारिश में या कहीं कमरे में अगर कोई अपना पीरियड लेते हैं या बच्चों को जब तालीम दे रहे होते हैं, तो एक तो वो क्लास टॉकिंग होती है, दो से दो टीचर्स हैं, तो अगर वो एक कमरे में जब दो से ज़्यादा क्लासों को हम पढ़ा रहे होते हैं तो वो एक तो बच्चों को हम ठीक तरीके से समझा नहीं सकते, और दूसरा ये है कि ना हमारे पास यहाँ पर बैठने के लिए फर्नीचर है और ना ही हमारे पास बैठने के लिए जगह है। पहले यानी हमारे पास इतने रूम ही नहीं है, 6 से ज़्यादा हमारे पास क्लासेस हैं प्ले और नर्सरी प्रेप को मिला के, तो हमारे पास रूम टोटल 2 ही है। बामुश्किल जो बच्चे यानी कि अगर घुल मिल के भी बैठें तो वो उन 2 कमरों में बहुत मुश्किल से आते हैं, वो कभी कभी बल्कि उनको बरामदे में भी बैठाना पड़ता है बारिश बर्फ़ में भी। तो ये सूरत हाल ये आपके सामने है। ये बच्चे बहुत अच्छे और एफिशिएंट और ओबीडेंट बच्चे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, बच्चों के यहाँ पे वॉशरूम्स नहीं हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हुकूमत को मुहैया करनी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं हो रही हैं। तो सबसे बड़ा ये बिल्कुल नाला माल के बिल्कुल साथ है, जब भी सैलाब या ये सरमाई या ये बरसात का मौसम होता है तो बिल्कुल यानी हर वक्त ये सैलाब के ख़तरे से में ये घिरे हुए होते हैं। तो यहाँ बहुत से मसाइल हैं, एक हमारे लिए मसाइल सबसे बड़ा ये है कि यहाँ बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग ना होने की वजह से हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। ये सामने जो छोटा सा कमरा है, इस कमरे में हमने 2 क्लासों को बिठाया हुआ है, अब एक टीचर एक छोटे से कमरे में बैठकर कैसे 2 क्लासों को पढ़ाएगा। फिर हमारे लिए दूसरा इशू ये है कि यहाँ कुर्सियाँ टेबल फर्नीचर है उसके लिए बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ कुरान करीम की तालीम लाजमी हो चुकी है, तो बच्चों के पास वो जो किताबें हैं कुरान करीम की वो छोटी सी कुर्सी होती है, उसके ऊपर 10-12 किलो का वो बैग होता है, फिर बच्चा बैठता है उसके लिए मुश्किल आती है, फिर जब वो कुरान करीम खोलता है तो इनके बेअदबी होती है डेस्क ना होने की वजह से, हमारे लिए भी बहुत बड़ा इशू है। और भी यहाँ वाशरूम का इशू है हमारे लिए, फर्नीचर का इशू है, बहुत से मसाइल हैं। जिस दिन सर्दी होती है तो सर्दी वाले दिन ये जो 3 क्लास हमारी ये शदीद सर्दी में यहाँ बाहर बैठती है क्योंकि अंदर बैठने के लिए जगह नहीं है। इसी तरह हमारे जो नर्सरी परब की क्लास वो आपने उसका विजिट किया, जिस दिन बारिश होती है तो वो भी शदीद सर्दी से मुतासर होते हैं बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और गर्मियों में चूँकि वो दोनों तरफ से चारों तरफ से उसकी टीन लगी हुई है तो वो गर्मी की वजह से जब तप जाती है टीन तो वो शदीद गर्मी की वजह से बच्चे मुतासर होते हैं। हमारे लिए बहुत से मसाइल हैं, चूँकि तालीम के लिए बुनियादी तौर पर ज़रूरत होती है माहौल हो,
तो यहाँ माहौल इंतहाई ख़राब है। एक तो बिल्डिंग ना नहीं है, फर्नीचर नहीं है बच्चों के पास, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है बच्चों के पास, और यहाँ गरीब लोग हैं, ये जो पूरी कम्युनिटी है इन्हें माजर बोला जाता है। हमारे पास बैठने के लिए भी जगह नहीं है, तो सिक्स क्लास हैं, तो जब बारिश होती है तो हमें बैठने की बहुत प्रॉब्लम होती है।